हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका स्मार्ट किचन सीरीज के इस एपिसोड में। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करती हूँ गाइस, क्या आप बता सकते हैं हमारी किचन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट क्या है? तो गाइस, इसका जवाब है मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हमारी किचन का जो होता है वो होता है गैस स्टोव। आज के टाइम में जब हम मॉड्यूलर किचन के बारे में सोचते हैं या फिर अपनी किचन को रिनोवेट करते हैं, किचन को नई बनाते हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है होम गैस स्टोव, क्योंकि मोस्टली लोग अभी इसी की तरफ मूव हो रहे हैं। ये हमारे किचन को अच्छा लुक तो देता है, इसमें कुकिंग करने में मज़ा आता है और बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है। तो फिर वही सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें किस टाइप का गैस स्टोव लेना चाहिए, कितने बर्नर का लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए और उसका प्राइस क्या क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लेकर आ रही हूँ और वो पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि जब आपको एक गैस स्टोव खरीदना है तो कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं वो सारे पॉइंट्स जो कि हमें किसी भी गैस स्टोव को खरीदने से पहले अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट से जो कि है साइज। स्टार्ट करते हैं साइज से। तो एक गैस स्टोव का जो साइज मार्केट में आपको मिलता है, अगर विड्थ की बात करें तो 60-90 के बीच में इसकी विड्थ होती है और अगर डेप्थ की बात करें तो 50 सेंटीमीटर का जो कुक स्टोव होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है। और मैंने जो अपने किचन के लिए चूज किया है वो 60 सेंटीमीटर का चूज किया है क्योंकि वो हर किचन के लिए परफेक्ट होता है और एक स्टैंडर्ड साइज में आता है। तो आप अपने किचन के डिजाइन के अकॉर्डिंग अपने साइज अपने गैस स्टोव के साइज को चूज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो वो आती है ब्रांड। तो इंडिया के अंदर जो गैस स्टोव होते हैं उसमें काफी सारी ब्रांड अवेलेबल है, जैसे कि एलिका है, ग्लैन है, बोश है, कैफ है, फेबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी ब्रांडेड है जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं अगर आप वहां से परचेज करें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइस है। तो आपका जो बजट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। मैंने जो अपने लिए चूज की है वो एलिका ली है। और गाइज, यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं यहाँ पर आपके शेयर कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो कि है फीचर्स। तो गाइस, मार्केट में आजकल बहुत सारे फीचर्स के साथ गैस स्टोव अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्लास स्टोव आता है या स्टील स्टोव आता है, इनबिल्ट आता है या फिर आप स्लैब के ऊपर रखना पसंद करते हैं, ऑटो इग्निशन है या मैनुअल इग्निशन है। तो काफी सारे फीचर्स हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आपको कैसा पसंद है, आप अपनी किचन के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उन फीचर्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फीचर्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो ऊपर नीचे आपको मिलेंगे। और मैंने जो अपने लिए चूज किया है वो है ग्लास स्टोव, ऑटो इग्निशन और इनबिल्ट वाला। तो ये मेरे किचन के लिए एकदम परफेक्ट था और बहुत ही रॉयल लुक मेरे किचन को दे रहा है। तो अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पॉइंट की जो कि है प्राइस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर मिनिमम प्राइस की बात करें इनबिल्ट गैस स्टोव की तो वो मार्केट में अवेलेबल है 7,000 से, और अगर मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। मैंने जो अपने लिए चूज किया है वो है एलिका का 4 बर्नर और वो जो प्राइस हमें मिला है वो है 13,999 डिस्काउंट के बाद ये प्राइस हमें मिला है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये अवेलेबल है। तो चलिए अब आपको मैं ले जाती हूँ किचन में और दिखाती हूँ अपना गैस स्टोव। तो गाइज, ये है एलिका का 4 बर्नर ग्लास स्टोव कुकफेयर और आप देख सकते हैं मैंने इनबिल्ट इसको फिक्स किया है और देखने में बहुत ही रॉयल है। इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या फीचर्स मिले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है 8 mm का टफन ग्लास, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है ग्लास एंड वॉल्स पर, और यहाँ पर ये जो बर्नर है ये टोटली ब्रास के बर्नर है, और अगर नॉब की बात करें तो ये हीट रेसिस्टेंट नॉब है और बहुत ही ईजिली इसको ऑपरेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एनएमएल पैन सपोर्ट जो कि हमें हीट रेसिस्टेंस करता है, ड्यूरेबिलिटी देता है और क्लीन करना भी इजी होता है, और ये हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है क्योंकि जो इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लैट स्लैंटिंग दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके हैवी वेसल्स हैं या फिर हल्के वेसल्स हैं वो आराम से स्टेबल हो जाएंगे, वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभी आप रखते हैं और तुरंत एकदम से अनबैलेंस हो गया गिर जाता है, बट यहाँ का जो डिज़ाइन दिया गया है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर इन्होंने दिया है। अब हम बात करते हैं इसके बर्नर्स की। तो यहां पर इन्होंने प्रोवाइड किया है मल्टी रिंग ब्रास बर्नर और यहां पर 3 मिनी ट्रिपल रिंग बार्स ब्रास बर्नर आपको मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और एक आपको मिलता है डबल रिंग ब्रास बर्नर जो कि आपकी हीटिंग को मोर इफेक्टिव बनाता है। तो अब आते हैं इनके नॉब्स पर जो कि आपको मिलते हैं हीट रेसिस्टेंस नॉब। तो 2 इन्होंने यहां पर दिए हैं और 2 इस साइड दिए हैं, तो ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। मैं अब आपको लाइट ऑफ करूंगी और फ्लेम दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आपको जस्ट प्रेस करना है और इसको घुमा देना है, और यहां पर ये जो आप साइन देख रहे हैं ये मैक्सिमम फ्लेम का है और ये जो है ये मिनिमम फ्लेम का साइन यहाँ पर है। तो देखिए, मैं चारों जो है नॉब स्टार्ट कर देती हूँ एक बार, तो आप फ्लेम का आइडिया जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं
ये देखिए, तो ये मैक्सिमम फ्लेम आपको मिलेगी, ये 3 बर्नर जो आपके थे यहाँ पर, ट्रिपल रिंग ब्रास बर्नर और 1 डबल रिंग ब्रास बर्नर की फ्लेम, ये जो मैक्सिमम फ्लेम है। और अगर हम मिनिमम फ्लेम दिखाएं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप घुमाएंगे तो ये इनकी मिनिमम फ्लेम हो जाएगी, और अगर आप इधर की तरफ इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाती है। तो ऑपरेट करना बर्नर ये जो नॉब को बहुत ही स्मूथ और इजी है। तो गाइज अब बात करते हैं गैस स्टोव के बर्नर की डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसमें 4 बर्नर एक बार में अच्छे से हो जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन भी आप आराम से रख सकते हैं। काफ़ी गैस स्टोव पे आपने देखा 2 पीछे और 2 आगे की तरफ होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बड़े जो बर्तन हैं वो एक साथ आप नहीं रख पाते, बट इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी सूटेबल मुझे लगा। मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन रखकर। तो देखिए ये काफ़ी बड़े आप देख सकते हैं बर्तन मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और ये देखिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितना आराम से आप बड़े बर्तन एक साथ 4 यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए बड़े साइज का मैं यहाँ पर कुकर रख रही हूँ, तो आराम से 4 बड़े बर्तन आप इसमें एक साथ खाना कुक कर सकते हो बड़े बर्तनों में, और नॉब में भी आराम से ऑपरेट हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप इनको आराम से खोल भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई डेंजरस आप मतलब हाथ जलने का डर है या कुछ है, आराम से आप 4 बड़े बर्तन एक साथ इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था डिज़ाइन इसकी, देखिए आप एकदम से मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट स्टेबल है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिल रहा है या कुछ है। ये देखिए परफेक्ट जो है एकदम स्टेबल यहाँ पर हो रहे हैं, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है फ्रेम का यहाँ पर। इस डिज़ाइन का एक पर्सनल एडवांटेज जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 बर्नर जो है वो पीछे की तरफ है और 1 बर्नर आगे की तरफ है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक बार में पीछे की तरफ कुकिंग करेंगे तो थोड़ा सेफ रहता है, क्योंकि जैसे जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा हीट लगने का डर रहता है। तो जैसे कि आप दूसरे गैस स्टोव देखते हैं 2 पीछे की तरफ 2 आगे की तरफ होते हैं, तो 2 बर्नर ज़्यादा यूज़ होते हैं, आगे के 2 बर्नर कम यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर 1 ही बर्नर दिया है, तो मोस्टली आप 3 बर्नर में एक साथ आराम से कुकिंग कर सकते हैं सेफली। तो जब भी आप गैस स्टोव खरीदें इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखें और डिज़ाइन देख कर ही खरीदें। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी है, आप इसको आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, चारों ही फ्रेम आराम से निकल जाते हैं, और इसके बाद ये इनको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से बर्नर्स को, और ये देखिए, तो इस तरह से आप आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं, और क्लीन करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही यूज़ करें, कोलिन डालकर उसको क्लीन कीजिए। आपको कुछ यहाँ पर स्क्रैच दिख रहे होंगे, वो मेरी मेड ने टिशू से इसको क्लीन कर दिया था, तो टिशू से क्लीन ना करें, माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ आता है मार्केट में मिलता है उसी से आप इसको क्लीन कीजिए। तो इस तरह से जो है आप इनको इस तरह से सेट कर सकते हैं आराम से, और इसको क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करना बहुत ही ईजी है, तो ये देखिए एक एक पार्ट जो है इसका अलग हो जाता है, आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज कंपनी के लोग ही इसको इंस्टॉल करने के लिए आते हैं, तो इंस्टॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो इंस्टॉल कर जाते हैं। और मैं नीचे की तरफ आपको ये टेप भी दिखा देती हूँ, ये वाली, ये इसमें आपको बॉक्स में ही मिल जाएगी, तो ये इसको ग्रेनाइट और इसको सपोर्ट करने के लिए जो गैस स्टोव है ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है ये टेप वो जो इंस्टॉल करने आएंगे वही आपको लगा कर देंगे। इस गैस स्टोव में आपको मिलता है ऑटो इग्निशन, तो यहाँ पर आपको लाइटर की ज़रूरत नहीं है फ्लेम जलाने के लिए, जस्ट इसको प्रेस करना है, और जैसे आप प्रेस करेंगे वहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह की आपको मिलती है, और इस तरह से ये फ्लेम ऑन हो जाती है। एलिका आपको देता है ग्लास टॉप और स्टेनलेस स्टील दोनों तरह का, ये आपके ऊपर है, आपको जो भी पसंद है आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्लास टॉप लिया है, इसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, जैसे कि कुछ भी अगर आप टच करते हैं तो फिंगर के निशान देखते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा और रॉयल लुक देता है, तो मैंने ग्लास टॉप ही लिया है, चाहे भले ही थोड़ा सा मुझे इसको क्लीन करना पड़े। कई ग्लास टॉप जो होते हैं उसमें काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि इसमें ये जो ग्लास क्रैक हो जाता है या फिर टूटने का डर रहता है, तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंशन भी किया है, डू नॉट वॉश द होब, वाटर कैन डैमेज द जनरेटर बॉक्स, तो इसको आपको वाटर से क्लीन नहीं करना है, जस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कोलिन डालकर इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही क्लीन कीजिए। और सेकेंडली, वैसे तो यहाँ पर 5 ईयर्स वारंटी इन्होंने ग्लास की दी है, लेकिन वो वारंटी इनवैलिड हो जाती है अगर आप उसको इंस्टॉल कराते हैं किसी और सर्विस सेंटर से एलिका को छोड़कर, या फिर कोई इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो वारंटी यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगी। एंड टू अवॉइड ग्लास ब्रेकेज, डू नॉट यूज़ यूटेंसिल, जैसे कि जो बर्नर को पूरी तरह से कवर करे, जैसे कि बाटी कुकर होता है या तंदूर होता है, उससे क्या होता है जब ये पूरी तरह कवर हो जाता है तो गैस की जो हीट होती है जब ग्लास पे लगती है तो उस हीट से ग्लास क्रैक हो जाता है, तो अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जो ग्लास है कभी भी क्रैक नहीं होगा। तो गाइज ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो एक रीजनेबल प्राइस में
उन सारे यूनिक फीचर्स के साथ जो कि एक गैस स्टोव में होने चाहिए और एक मॉडुलर गैस स्टोव में होने चाहिए, वो आपको इस प्रोडक्ट में मिलते हैं। मुझे इसको यूज़ करते हुए हो चुके हैं 1 मंथ और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट के साथ। तो अगर आप भी अपनी मॉडुलर किचन के लिए एक परफेक्ट गैस स्टोव देख रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर इसका जो करंट प्राइस है वो भी चेक कर सकते हैं, इसको वहां से खरीद भी सकते हैं और इसकी रेटिंग भी अमेजोन पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड्स के जो गैस स्टोव हैं उनका लिंक भी आपको यहाँ मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर उनको भी चेक कर सकते हैं। तो वैसे तो गाइज मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसके बावजूद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगी। इस प्रोडक्ट के अलावा मेरी स्मार्ट किचन सीरीज में बहुत सारे ढेरों स्मार्ट गैजेट्स हैं जो कि आपकी किचन को स्मार्ट और मॉडुलर बनाते हैं, तो उन सब का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं आपके लेकर आ रही हूं मॉडुलर किचन को बनाते हुए किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें लगाने चाहिए जो कि यूजफुल हो और हमारे किचन को एक मॉडुलर लुक दे। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।